बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS का आज का करंट अफेयर के हवाले से जो पेपर हुआ है उसके जो MCQs पार्ट था वो आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि फ़लस्तीन और इसराइल का जो कन्फ्लिक्ट हुआ है ये कब हुआ है, ये बेसिकली 7 अक्टूबर 2023 को हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक बुक है, बुक का नाम है चाइना पाकिस्तान एक्सेस एशियाज न्यू जियोपॉलिटिक्स, ये बेसिकली किसने लिखी, ये एंड्रयू समाल साहब हैं, उन्होंने लिखी थी। फिर इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि G20 जो समिट हुई है 2023 के अंदर, ये बेसिकली इंडिया में हुई है, ये कब हुई है, ये इसमें इसने डेट पूछी हुई है, तो 9-10 सितंबर को हुई है। इसके बाद जो फोर्थ क्वेश्चन है, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द OIC फॉरेन मिनिस्टर्स ऑन फलस्तीन कन्फ्लिक्ट हेल्ड इन अक्टूबर 2023, तो ये बेसिकली सऊदी अरेबिया के अंदर हेल्ड हुई है। उसके बाद एक सिटी का पूछा हुआ है और सिटी का नाम है क्राको, क्राको इज द सिटी ऑफ, ये बेसिकली पोलैंड का सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हेडक्वार्टर ऑफ अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो बेसिकली इथियोपिया में है, इथियोपिया का कैपिटल है अडिस अबाबा, अडिस अबाबा, अडिस अबाबा के अंदर अफ्रीकन यूनियन का बेसिकली क्या है, हेडक्वार्टर है। उसके बाद है कैपिटल ऑफ कोस्टारिका, कोस्टारिका का कैपिटल यहां पे पूछा हुआ है तो वो बेसिकली सैन जोजे है। तास, तास इज द रशियन स्टेट ओन्ड न्यूज एजेंसी। उसके बाद है द बोआ फोरम फॉर एशिया वाज फाउंडेड इन 2001 में ये बनाई गई थी। आर्टिकल 25A ऑफ द पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, ये बेसिकली एजुकेशन फ्री फॉर ऑल, तो ये राइट टू एजुकेशन इसका ठीक बनता है। उसके बाद है वर्ल्ड स्नोकर चैंपियनशिप 2023 हेल्ड इन इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में खेली गई है। उसके बाद है नाइजीरिया की करेंसी कौन सी है, तो नाइजीरिया की करेंसी नाइजेरियन नायरा ये बनती है। उसके बाद देयर आर हाउ मेनी स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन CPEC, CPEC में टोटल 9 इकोनॉमिक जोन हैं। जब 9 इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं तो इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन ठीक बनता है। उसके बाद नोबल प्राइज विनर का पूछा हुआ है कि लिटरेचर के अंदर मिस्टर लोइस ग्लक को मिला गया है, दिया गया है, तो वो किस कंट्री से उनका ताल्लुक है, तो उनका ताल्लुक USA से है। उसके बाद एक बुक है द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द टर्मॉयल इन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान वॉज रिटन बाई, तो ये अहमद राशिद साहब हैं जिन्होंने ये बुक लिखी है। इसके अलावा हमारे पास और कौन से क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बेसिकली द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन नवंबर-दिसंबर 2023, कहाँ हुई थी, वो बेसिकली नन ऑफ दीज है, इन कंट्रीज में कहीं पे भी नहीं हुई। फिर 17th क्वेश्चन है देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तो पहले 13 थे, अंगोला ने रिसेंटली क्या कर दिया, छोड़ दिया, जब अंगोला ने रिसेंटली छोड़ दिया तो अब इसका 12 ऑप्शन ठीक बनता है। उसके बाद है वर्ल्ड टूरिज्म डे, वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है हर साल, तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद 19th क्वेश्चन है कि इज द करंट चांसलर ऑफ जर्मनी, जब करंट चांसलर ऑफ जर्मनी की बात करते हैं तो बेसिकली करंट चांसलर ऑफ जर्मनी जो है वो ओलफ शोल्स है, ओलफ शोल्स, इससे अगर हम पहले की बात करें तो एंगला मर्कल थी, एंगला मर्कल 4 दफा रह चुकी है, और उसके बाद अगर हम बात करें ये बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की जो पोस्ट होती है वो हाईएस्ट पोस्ट है। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है द 2023 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स समिट टुक प्लेस 18-19 सितंबर 2023 इन बेसिकली ये न्यूयॉर्क में मुनक्किद कराई गई थी। ये था बेसिकली आज का पेपर।